नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने किया था पार्ट 9, फल खाएं सेहत बनाएं, और उसकी बुक एक्सरसाइज को किया था। आज हम उसके कॉपी पार्ट को करने वाले हैं। कॉपी पार्ट में सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास श्रुतलेख का। श्रुतलेख में हम देखेंगे पुष्ट, स्वास्थ्यवर्धक, रोग निवारक, पौष्टिक, मस्तिष्क, अमृत फल, अतिरिक्त हड्डियां, मजबूत। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न 2, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे पार्ट 9, प्रश्न 2, शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी शब्दों का अर्थ। स्वस्थ यानी कि सेहतमंद, पुष्ट यानी कि मजबूत, दोष यानी कि विकार, पाचक यानी पाचन में मदद करने वाला, उपयोगी महत्वपूर्ण, मस्तिष्क दिमाग, शक्ति ताकत, अवश्य जरूर, प्रमुख मुख्य, प्रभाव असर, बहुतायत यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, स्वास्थ्यवर्धक स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाला। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास डैश पाचक और खून बढ़ाने वाला होता है। कौन होता है? पपीता। पपीता खाने से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचक क्रिया है, बहुत अच्छी रहती है और हमारा खून भी बढ़ता है। 2 है अमरूद, तो इतना गुणकारी है कि कहीं कहीं तो इसे डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत फल, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए हमें डैश फल अवश्य खाने चाहिए, क्योंकि ये फल मौसम के अनुकूल होते हैं। कौन से फल खाने चाहिए? मौसमी फल अवश्य खाने चाहिए, क्योंकि ये मौसम के अनुसार ही होते हैं। 4 है कच्चे आम का पन्ना पीने से डैश नहीं सताती है। क्या नहीं सताती है? लू व गर्मी नहीं सताती है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सही कथन के सामने हमें टिक्का और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। संतरा, मौसमी, अनार, अमरूद, आंवला, रसमलाई, अंजीर आदि गर्मियों के प्रमुख फल हैं। ये एकदम गलत है। ये सारे फल जो हैं गर्मियों के नहीं होते हैं। अभी आ रहा है ना संतरा, मौसमी, अनार, अमरूद, तो ये क्या है? सर्दियों के प्रमुख फल है। जामुन और जामुन का सिरका बहुत से रोगों में काम आते हैं। ये एकदम सही है, जामुन बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत से रोगों में काम आता है। 3 नंबर पे देखा है खजूर के सेवन से पाचन अच्छा रहता है, हड्डियां मजबूत होती है और ये त्वचा को भी ताजगी देता है। ये एकदम सही वाक्य है। आम फलों का राजा कहलाता है, इसे कच्चे व पक्के दोनों रूपों में खाया जाता है। ये एकदम सही वाक्य है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 5, वाक्य बनाइए, जिसमें एक एक शब्द से हमें वाक्य बनाना है। फल, हमें मौसमी फल खाने चाहिए। 2 नंबर पे है सेब, हमें रोजाना एक सेब खाना चाहिए। 3 नंबर पे है जामुन, जामुन एक उपयोगी फल है। और 4 नंबर पे देखा है आम, आम से वाक्य बनाएंगे, आम फलों का राजा है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 6, प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास स्वस्थ रहने और शरीर को पुष्ट बनाए रखने के लिए, यानी कि मजबूत बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। उत्तर में हम लिखेंगे, स्वस्थ रहने और शरीर को पुष्ट बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम प्रतिदिन रसीले फलों का सेवन करें, एकदम रस से भरे हुए अच्छे ताजे फल खाएं, तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा और पुष्ट रहेगा। भूख ना लगने पर इसे बढ़ाने में कौन सा फल बहुत उपयोगी होता है? भूख न लगने पर उसे बढ़ाने में अंगूर का फल बहुत उपयोगी होता है। प्रश्न 3 है सेब के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर में हम लिखेंगे, सेब के बारे में ये कहा गया है कि एक सेब रोज खाना डॉक्टर को दूर रखता है। खाने से क्या होता है? डॉक्टर दूर रहेगा, यानी कि हमें बीमारियां नहीं होगी। प्रश्न 4, हमें मौसमी फल क्यों खाने चाहिए? हमें मौसमी फल इसीलिए खाने चाहिए क्योंकि वे मौसम के अनुकूल होते हैं। प्रश्न 5 है सर्दियों के फल कौन कौन से हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, सेब, संतरा, अनार, अमरूद, आंवला, अंजीर, बेर आदि जो है सर्दियों के फल हैं। प्रश्न 6 है फलों को रोग निवारक क्यों माना जाता है? उत्तर में हम लिखेंगे, फलों को रोग निवारक यानी कि बीमारियों को दूर करने वाला इसलिए माना जाता है क्योंकि फलों में शरीर को पुष्ट बनाने के कई पौष्टिक पदार्थ होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ होते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है मजबूत बनता है और हमें बीमारियां नहीं होती। प्रश्न 7, जामुन उपयोगी फल क्यों है? उत्तर में हम लिखेंगे, जामुन और जामुन का सिरका
बहुत से रोगों में काम आता है। अगला प्रश्न है, खजूर का सेवन करने से क्या लाभ होते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, खजूर का सेवन करने से हमारा पाचन यानी कि हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, हड्डियां मजबूत होती है और त्वचा को भी ताजगी मिलती है। अगर हम सर्दियों में खजूर का सेवन करेंगे तो हमें बहुत फायदे होंगे। प्रश्न 9 है, फलों की जगह जंक फूड खाने वाले लोगों पर कैसा असर दिखाई दे रहा है? फलों की जगह अगर जंक फूड खाने वाले लोग तरह तरह के रोगों से बीमारियों से घिरे रहते हैं, आए दिन बीमार पड़ते हैं। एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप में हमें लिखना है, फलों के चित्र बनाइए या फिर काटकर, अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर ड्राइंग कर लीजिएगा फलों की, और अगर आपके पास कटिंग है, आपको कटिंग करना चिपकाना अच्छा लगता है तो आप फलों का एक पिक्चर यहाँ पर चित्र आप यहाँ पर चिपका देंगे। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।